खाली मम्मी का देखिए, एक बार रिएक्शन देखिए खाली मम्मी का। मम्मी मार्केट कैसी लग रही है? मतलब 48 दांत क्यों दिख रहे हैं? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आज साल का आखिरी दिन है और आखिरी दिन में मैं गाड़ी चला रहा हूँ। कोई बात नहीं, इस साल मैंने गाड़ी चलाना भी सीख लिया है और बहुत सी चीज़ें हैं जो इस साल मैंने अचीव किया। जैसे कि हमने जनवरी में शिमला गए थे और बहुत सी जगह गए, मतलब इस साल 12 महीने में हम लोग 12 जगह पे गए हैं। जितने बहुत से ब्लॉग आए, बहुत से ब्लॉग नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ ट्रैवल, क्योंकि नेटवर्क नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम कहीं जा रहे हैं साल के आखिरी दिन भी, तो हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे देखने को मिलेगा। बाकी आज हमारी गाड़ी में सब लोग हैं। मैं दिखा पीछे देख सकते हैं। जुगनू हाय बोलो। हाय गाइस। अभी हाय गाइस। निखिल जी हाय। मम्मी हेलो गाइस। गुरु हाय गाइस। और उसके गुरु साथ भी एक और बंदा है। बंदी है। तो गाइस हमारे साथ ये है। ए मैडम इधर, अभी बोलिए हेलो। वो तो अपने में बिजी है आज। एक्चुअली मेरे को खुद को नहीं पता, हम लोगों से काफी लोगों को नहीं पता कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। पता है कहाँ जा रहे हैं? हाँ मुझे पता है। मुझे पता है कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? यही तो सरप्राइज है पूरा। सर यही तो सर पे चावल है। सर पे चावल सरप्राइज है ना। सो गाइस हम बहुत सी जगह पे घूमे हैं बट दिल्ली की बात ही अलग है। बिकॉज पता क्या है गाइस, आप कहीं भी जाओ दिल्ली में इतना दिल लग जाता है, मतलब इतनी अच्छी जगह होती है ना कि सुबह जाओ और रात तक आते हैं वापस। और जाना चाहो तो लोग आपको घर वापस नहीं आने देना चाहते। हाँ इतना प्यार है, लोग एक दूसरे से करते हैं, चाहे वो आपको जाने चाहे ना जाने, वो बात है। मैं मतलब 12 सिटी घूम लिया इस बार, इस साल 2022 में। और दिल्ली ने जितना प्यार दिया है ना, उतना प्यार कोई नहीं दे पा रहा है। अभी भी देखो प्यार बरसा रही है एकदम पूरा। ये देखो इतना ना आगे जाने देना चाह रहे हैं ना पीछे जाने देना चाह रहे हैं, मतलब इतना प्यार क्या ही करे। थैंक यू गाइस, दिल्ली से जो भी है उस सबको मैं थैंक यू कहता हूँ। मुझे लग रहा है 2022 में हम लोग इस जाम में फंसे हैं और 2023 में निकलेंगे एक साल बाद, क्योंकि इस कदर इस जाम में फंसा हुआ है हम लोग। एक घंटा हो गया फंसे फंसे। गाइज हम लोग जाम से अपने आपको जिंदा बचा के निकाल लिए हैं बाहर और हम लोग बस अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। और यहाँ भी हम लोग को जाम ही मिल रहा है। ऐसा लग रहा है हम लोग बहुत गलत डिसीजन ले लिया निकलने का। तो कैसा लग रहा है आपको जाम में घूम के? पता नहीं कि मुझे ऐसे सपने भी ऐसे ऐसे आते हैं, अब मेरे पैर ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। गाड़ी सौम्य हो गया गाइज, बहुत भूख भी लग रही है। मैं हमेशा अपने ब्लॉग में ये जरूर बोलता हूँ भूख लग रही है, बिकॉज सच में बहुत भूख लग रही है। हमें कुछ बिना खिलाया घर से निकाला जाता है, चल शॉपिंग करा चल। ड्राइवर और खलासी बना के रख दिया जिंदगी गाइस। ये ट्रक ड्राइवर है, उनके साथ कंडक्टर रास्ता बताने के लिए। खलासी कंडक्टर किस लिए? कंडक्टर टिकट काटता। अच्छा खलासी जो भी एक सेंस ऑफ ह्यूमर खत्म हो गया गाइस। और ये गाइस पीछे देख रहे हैं, ये कुत्ता सुरक्षा विभाग से है। वो कुत्ता लोग की सुरक्षा करते हैं या मैं कुत्ते की सुरक्षा करता हूं? ऐसा कुत्ता पाला है जिसकी सुरक्षा के लिए हम लोग को जरूरत पड़ता है, इंसान रखना पड़ा है। एक अलॉट स्पेशल इंसान अलॉट करना पड़ेगा, इसके साथ एक बंदा रहेगा ना। कुत्ते तो आदमी की इच्छा करते हैं। और तुम कुछ करना चाहोगी गाइस? देखिए सच्चाई, देखिए हम लोग मैगी खा के निकल देंगे गाइस। ये देखिए ये भी औरत है पीछे, ये इस मार्केट में आते हैं लोग, इनका दिमाग चल चुका है। सीजर का पट्टा लाया ना गुरु? हाँ जिंजर का, उसके पट्टे से इन तीनों का हाथ पकड़ बांध करके उसके बाद गाड़ी से उतारना। हम गाड़ी लगा के आएंगे तब तक बांधे रखना इन तीनों लोगों का, चारों को है जुगनू को। हाँ ये लोग इधर से भटके ना गुरु, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अभी तो ऐसी मार्केट में हम आए हैं ना आज कि ये लोग की कोई गारंटी नहीं है कि हमें छोड़ के कहीं भी भाग सकते हैं। अरे ये तो लोग तो ये इसके भी कोई गारंटी नहीं है, सलाइन की दीवानी को ये भी कहीं निकल सकती है। देख रहे गाइस ये मेरे सीने में दर्द। गाइस मार्केट देख के सीने में दर्द हो चुका है, सच्चाई की बात है। देखिए इतना इन लोग को मानसिक संतुलन मिल गया मार्केट देख के। गाइस हमारी मम्मी का देखिए, एक बार रिएक्शन देखिए खाली मम्मी का। मम्मी मार्केट कैसी लग रही है? मतलब 48 दांत क्यों दिख रहे हैं? ये देखिए गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे वाली औरतों के 48 दांत दिख रहे हैं, 32 होते हैं ह्यूमनली पॉसिबल है। मैंने खुशी के मारे भगवान बाकी दांत एक्स्ट्रा दे दिए। देखिए खुशी से आंसू निकल रहे हैं। मम्मी अभी गम में भी निकलेंगे, हम ले नहीं पाओगी। नहीं ले पाते तो गाइस ऐसा लग रहा है आज मोटा चूना लगने वाला
हमको लग रहा है यहाँ से एक बंदा मेट्रो में ज्यादा दिखेगा क्योंकि गाड़ी में जगह चाहिए सामान रखने के लिए भी। हमको लग रहा है इस मार्केट से निकलते निकलते हमको 10 लाख का लोन लेना पड़ेगा। अर्जी डाल दे रहे हैं करेंगे। बाकी फिलहाल कुछ ऐसा देख लो, ऐसा ऐसा है। क्या कह रही हो? कहाँ अलाउड नहीं लिखा है? ओ हाँ गाइस, यहाँ लिखा हुआ है फोटोग्राफ्स। तो अभी बंद करते हैं, बाद में मिलेंगे आपसे। 2000 years later. Guys, हम तीन लोगों की शॉपिंग हो चुकी है। बेसिकली मैंने और भाई जुगनू की भी, और जो हमने शॉपिंग की वो उसमें से एक भी पैकेट हम लोगों के हाथ में नहीं है। सिर्फ जुगनू का मिला है। सिर्फ जुगनू का है। हमें घर से निकले 5 घंटे हो गए, 5 घंटों में हमने ये दो छोटे छोटे बैग लिए हैं बस, इन दो छोटे छोटे बैग में। और सबसे अच्छा आज की जो आउटिंग रही है वो रही है गुरु की। गुरु आपको कैसा लगा? आज मैं आया था, मेरे को लगा बहुत एडवेंचर होगा, वो एडवेंचर गाड़ी के अंदर मुझे बहुत सी चीजें मिली, कई मकड़ी मिली, कई चींटी मिली गाड़ी का पूरा मैंने छाना गाड़ी को, मतलब तो बेसिकली गुरु गाड़ी में ही था क्योंकि जिंजर आई थी हमारे साथ। और हमने क्या शॉपिंग की है आपको आने वाले ब्लॉग में पता ही चल जाएगा। भाभी ने क्या लिया है वो तो वेट एंड वॉच, वो घर में मिलेगा, घर में नहीं मिलेगा, घर में ही मिलेगा भाई, और मिलेगा आने वाले टाइम में मिलेगा। हाँ। जल्दी जल्दी एक्चुअली बहुत से सरप्राइजेस है गाइस, सरप्राइज आपको आने वाले कुछ ब्लॉग्स के अंदर पता चल। जिस बात का डर था वही हुआ, साल के आखिरी दिन में इन लोगों ने फिर से ऐसी शॉपिंग कर ली है जो कि आने वाले साल में ये लोग कपड़े पहनेंगे। तो गाइस हमारा आखिरी साल का आखिरी दिन भी शॉपिंग करने में निकल गया है और ये शॉपिंग हुई आने वाले साल के लिए। तो ऐसा ही है अब, बाकी फिलहाल अभी जाम नहीं है और देखते हो सकते मे भी आगे जाम हो। तो कुछ कुछ बातें हैं गाइस जो आपसे शेयर करनी है, वो आपको कल के व्लॉग में मिलेगा। तो कल का व्लॉग देखना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का व्लॉग आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं एक बार के लिए, बट छोड़िएगा मत, बट कल का व्लॉग बिल्कुल भी ना भूलें। मैं चाहूँगा जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो ये व्लॉग जरूर देखें जो मेरा कल व्लॉग आने वाला है, क्योंकि उसमें हमारी लाइफ का सबसे बड़ा चीज़ मैं रिवील करने जा रहा हूँ। और जो आप लोग को भी बहुत टाइम से कंप्लेन थी कि मैं बहुत दिनों से ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, चाहे मैं कहाँ बिजी हूँ, मैं इतने ट्रैवल क्यों कर रहा हूँ, अगस्त से मैं इधर उधर जो ट्रैवल कर रहा था वो सब क्यों हो रहा था, वो आपको सब कुछ मैं कल के व्लॉग में एक्सप्लेन करूँगा। 1 जनवरी 2023 का जो व्लॉग आएगा आप लोग के पास, उसको एडिट करके मे बी मैं 2 जनवरी को पोस्ट करूँगा। तो वो व्लॉग देखना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज उसमें बहुत बड़ा सरप्राइज़ आप लोगों के लिए है और एक गुड न्यूज़ भी है, वो उसी में रिवील होगी। बाकी फिलहाल घर निकलते हैं और फिर से भूख लग रही है।